हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव जी। आइए बात करते हैं उनसे। सर, राज्यसभा पहुंचे हैं, मायावती आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने धांधली करके राज्यसभा सीटें जीती हैं। उनके पास कौन सी संख्या थी राज्यसभा सीट जीतने के लिए? हमारे पास संख्या बल थी, हमारे पास 28 अपने ही विधायक थे 8 उम्मीदवार को चुनने के बाद, और जो सेकंड प्रेफरेंस वोट के जरिए यदि आप हमारे विधायकों की और हमारे सेकंड प्रेफरेंस की वोट को गिनेंगे अपने आप में, हम बीएसपी सपा कांग्रेस से मिलकर जो संख्या बल होती है उससे ज़्यादा हमें मिले हैं। तो इसलिए ये हर एक बार हारने के लिए मायावती जी का और एक बहाना है, इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। 2019 के लिए भी एसपी और बीएसपी साथ में अलायंस कर रही है, क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? ये खुद अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे को दुश्मन मानने वाले राजनीतिक दल एक साथ आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये उनका अपने निजी फैसला है। बट लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम लगातार हमारी जनाधार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, हम अच्छे शासन के द्वारा हमारी जो जन समर्थन है उसको बढ़ा रहे हैं। जो 43% वोट हमें लोकसभा 2014 में मिला था उसको बढ़ाकर हम 55% से ज़्यादा वोट पाने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है 73 से भी आगे बढ़कर अगले लोकसभा चुनाव में हम एक बड़ी जीत हासिल करेंगे और इनके उम्मीदों पर पानी फेरेंगे। सर, राहुल गांधी जी ने अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी को 2019 में हम पक्का हरा देंगे, इसके लिए क्या रणनीति अपनाएगी पार्टी? अब देखिए, जो बार बार चुनाव हार रहे हैं, 5 राज्य में चुनाव में रहने वाले सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी आज 21 राज्यों में सत्ता में है, तो भारतीय जनता पार्टी का डर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवार है, इसी डर के कारण इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, हमें किसी को लेकर चिंता नहीं है, हम हमारे जनाधार को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे जीवेंद्र नरसिम्हा राव जी, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही 2019 में भी अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ कपिल कुमार, डायनामाइट न्यूज़ दिल्ली के लिए।